तेज हो चुका है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक इस समय जारी है और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। तो बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल है। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, वाकई में मंथन करने वाली बात भी है और मंथन अब शुरू भी हो गया है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, जहां से बड़ी जीत के साथ बीजेपी पिछले चुनावों में लोकसभा चुनावों में आई थी, अब उसी उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी आधे से भी कम सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। गांधी की बुरी हार हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सुल्तानपुर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी की हार हुई है। एसपी प्रत्याशी राम गुआल निषाद जीते हैं, तो यहां पर बीजेपी के लिए बुरी खबर, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बीजेपी यहां से हार जाएगी इसकी उम्मीद बहुत कम थी। यानी कि मेनका गांधी की यहां से हार हुई है और एसपी प्रत्याशी के लिए अच्छी खबर है, एसपी प्रत्याशी राम गुआल निषाद यहां से जीते हैं। बुरी खबर बीजेपी के लिए सुल्तानपुर से भी, लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के लिए बुरी खबर, प्रत्याशी मेनका गांधी की हार हुई है। बाद सीट से जुड़ी हुई गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमन जीते हैं, बीजेपी की हार हुई है। यहां से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर, इलाहाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर, और गठबंधन प्रत्याशी उज्जवल रमन जीते हैं, तो इलाहाबाद सीट से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर। बड़ा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन 39 सीटों पर फिलहाल आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस बार एक बड़ा मैंडेट मिलता हुआ बड़ा फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और इलाहाबाद सीट की अगर बात करें तो बीजेपी की यहां पर हार हुई है, सुल्तानपुर सीट से भी हार हुई है, यानी कि हर तरफ से बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में बुरी खबर। कई मजबूत प्रत्याशी बीजेपी की इस चुनाव में हार चुके हैं। बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा की जीत हुई है। महेश शर्मा करीब 5,38,00 वोटों से जीते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, करीब 5,38,000 वोटों से जीते हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी की गौतम बुद्ध नगर सीट से बड़ी जीत। महेश शर्मा करीब 5,38,000 वोटों से जीते हैं। जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है, तो बड़ी खबर आपको बता दी, पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है, तो कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए खुशखबरी, पीलीभीत सीट गौतम बुद्ध नगर सीट, यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर सीट में भी महेश शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो यहां से बीजेपी के लिए एक खुशखबरी आती हुई। तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। उस सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है, उनके भी जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे सबसे पहले न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। जीत दर्ज की है गांधीनगर लोकसभा सीट की है, तो इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर लोकसभा सीट से, तो लगभग लगभग जीत की ओर है अमित शाह, 7,43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत तय है, लेकिन आंकड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी पलट भी सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट से करीब 7,43,000 वोटों से अमित शाह आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर लोकसभा सीट से।